हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिसोसिएशन रिएक्शन एंड उसी को हम डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, दोनों हमने कम्प्लीट कर चुके थे। हम आज इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नई जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन हो जाएगी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसी को हम बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलेंगे, देखो इसके अंदर क्या होगा, एक तो कोई कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है, और एक यहाँ पर कोई एलिमेंट हो सकता है या कोई एटम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी कंपाउंड में है, जो ए यहाँ पे एटम है, ठीक है, इसके अंदर दो तरह के एटम है, ए और बी। तो ए एटम को यहाँ से सी क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा इसको खुद इसकी जगह। और कौन करेगा रिप्लेस, जो हाईली रिएक्टिव होगा, यानी अगर सी ए से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये सी ए को रिप्लेस कर देगा, अगर सी कम रिएक्टिव है ए से तो ये सी ए को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा तो सी बी प्लस ए, ठीक है, ए को बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड react to form different substances, क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेज बनाएंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेज, ठीक है, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को हम क्या, किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, जैसे ये कंपाउंड हो गया, ये एलिमेंट हो गया, दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में और क्या करेंगे, फिर रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेज, और आपस में डिफरेंट सब्सटेंस बनाएंगे सी बी और ए। कैसे बनाएंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज से, आपस में एक्सचेंज करके एटम्स का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और नए सब्सटेंस बना लेंगे। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इक्वेशन के लिए एक एग्जांपल देखना, देखो इसका, उससे पहले आपको कुछ एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये अगर ये सी हाईली रिएक्टिव है तो ही ए को रिप्लेस करेगा, अगर ये ए से कम रिएक्टिव है तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता ए को। अब इसका पता कैसे लगाएं हम कि सी, मतलब यहाँ पर कोई जो एलिमेंट होगा वो इससे ज़्यादा एक्टिव है या रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, उसका हम पता लगाते हैं किससे, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे नोट करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट,
कुछ एलिमेंट्स की हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर डालते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं हम। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और कौन कौन से देखो, सबसे पहला है पोटेशियम, जिसको हम इसका सिंबल के होता है इससे आइडेंटिफाई करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पोटेशियम के बाद होता है फिर सोडियम, इसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है कैल्शियम, इसको हम सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन एफ ई, फिर आता है टिन, इसका सिंबल होता है एस एन। इसके बाद आता है लेड, इसको हम प्लम्बम पी बी के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पी बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फिर आता है इसके बाद हाइड्रोजन, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कॉपर आता है, इसको हम सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है मरकरी, इसको हम एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है फिर सिल्वर, इसके बाद सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, सिल्वर का सिंबल होता है ए जी, और इसके बाद लास्ट में गोल्ड, इसका सिंबल होता है ए यू। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है कुछ एलिमेंट्स की। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम इसको मूवमेंट करते हैं तो इसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज होगी। क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग फ्रॉम, डिक्रीजिंग मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम पे जाते हैं हम तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी दो आइटम की हम बात करते हैं इसमें, किन्हीं भी दो आइटम की, तो जो इसमें देखो इसमें जो रिलेशन आएगा उन दोनों का, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिंक की और कॉपर की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिंक कहाँ है, ये रहा, ये जिंक है और ये कॉपर रहा। ठीक है, जो कोई दो आइटम की हम बात कर रहे हैं उनमें से जो ऊपर की तरफ आता है इस सीरीज में, इस सीरीज में जो ऊपर की तरफ आता है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है अपने नीचे वाले से। यानी जेड एन इस सीरीज में ऊपर है और सी यू इस सीरीज में नीचे है, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिंक होगा। ठीक है, इस वजह से जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, देखो जैसे मैं यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखता हूँ, सी यू एस ओ फोर प्लस जेड एन, ये बन जाएगा यहाँ पे जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू, एक रिएक्शन तो ये है, ये हो गया कॉपर सल्फेट, इसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, ये जिंक है ही। ठीक है, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक सल्फेट। और एक रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे जेड एन एस ओ फोर, ठीक है, प्लस सी यू, तो एक रिएक्शन जैसे यहाँ पे इसमें सी यू एस ओ फोर बना देते हैं और यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर देते हैं, ये वही जिंक सल्फेट हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है,
इतना करने के बाद क्या देखते हैं फिर हम, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी या फिर ये होगी, इसका कैसे पता लगाए हम। तो देखो यहाँ पे जिंक, अभी हम बात कर रहे थे कि जिंक कॉपर की, तो जिंक यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करेगा यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। बट कॉपर नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे कॉपर नीचे आता है जिंक के, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन तो हो जाएगी बट ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न लिख दोगे बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर सो इट कैन रिप्लेस द कॉपर एटम फ्रॉम कॉपर सल्फेट। और इस रिएक्शन में नहीं होने का रीज़न क्या होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक सो दिस रिएक्शन कैन नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक एटम फ्रॉम जिंक सल्फेट, ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। अब इसके और एग्जांपल देखते हैं, देखो इसके और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। अब देखिए यहाँ पे कॉपर क्या है, सिल्वर के ऊपर आता है, अभी हमने जो रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा है आपने उसको नोट किया हो, देखो उसको स्क्रीन शॉट लेकर नोट कर लेना सभी को, ठीक है, पूरा जो पेज था अभी स्क्रीन शॉट लेकर के नोट कर लेना। कॉपर उस सीरीज में नीचे आता है ए जी, सॉरी कॉपर ऊपर आता है ए जी नीचे आता है, तो कॉपर यहाँ पे ए जी को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, सी यू एन ओ थ्री का होल ट्वाइज प्लस ए जी को रिप्लेस कर देता है यहाँ से, इसको बैलेंस कर लो। देखो एन ओ थ्री के यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एन ओ थ्री के आप टू कर दीजिए, यहाँ पे आगे टू टू रिप्लेस करके, ठीक है, और ए जी यहाँ पे टू हो गए तो इधर भी आप ए जी के आगे टू लगा दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं, देखो H2SO4 प्लस जिंक, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे जिंक है, जब जिंक मेटल को हम डालते हैं, ठीक है, किसी एसिड के अंदर यानी सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं इसको, क्या करेगा ऐसे जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि जिंक ऊपर आता है सीरीज में और हाइड्रोजन नीचे आता है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है बट हाइड्रोजन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक ऐसे कर सकता है इसको, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, इसको हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि किसी मेटल की अगर हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की, उसके अंदर पढ़ा था हमने कि किसी एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाने पे उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ऐसे कि एक और एग्जांपल देख लो, देखें हमें जैसे कि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम जिंक से जिंक के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज करेगा, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे Cl यहाँ पर दो हैं, हाइड्रोजन भी दो हैं, तो यहाँ पे आप दो लगा दें, ठीक है। इस तरह से इसके एग्जांपल से कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर फोर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखिए इसको आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर को किस तरह से लर्न करना है आपको, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ एक, जो कि थोड़ी सी कॉमेडी टाइप की बन जाती है, ठीक है। ट्रिक देखो किस तरह से आपको लर्न करना है इसको, कैसे आप क्या बनाओगे यहाँ पे करीना, ठीक है।
ठीक है, ना से क्या बनाओगे, ने, कैल्शियम का से बनाओगे कार, करीना ने कार, एमजी से मांगी, ठीक है, इसी तरह से कौन सी कार, अल्टो, ठीक है, और जेन, जिंक का जेन, एंड फरारी, फरारी, ठीक है, सुन पापा ने, ने यहाँ पे मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस बनाने के लिए, ने है, हाइड्रोजन का क्या बनाया हमने, है, कॉपर से क्या बनाया मैंने, कहा, ने है कहा, हाँ, तेजी से आ जाएगा, आ जाओ, और मैं यहाँ पे मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूँ देखो, ठीक है, सेंटेंस करने के लिए पूरा, और सॉरी, और इसको बना दो आप, ओल्ड जो गोल्ड है इसको और से बना दो इसको ना, और ले जाओ यहाँ पे, ले जाओ, हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो कि करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, सुन पापा ने है कहा, हाँ आ जाओ और ले जाओ, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो इस तरह से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन उनके बारे में स्टडी करेंगे।